السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران متفق عليه. قابل احترام ناظرین و سامعین محترم, दर्स हदीस ज़ुजाजतुल मसाहबी के साथ फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर होने का शरफ़ हासिल है। हज़रत अबू मूसा अशआरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए दोहरा सवाब है, दुगुना अजर है। अज़ीज़ान महतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहमत के ख़ज़ानों में, उसकी अता के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस क़दर मेहरबान है कि उनको मामूली से छोटे से अमल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े बड़े सवाब की बशारत अल्लाह ने दी है। तो फिर यहाँ पर तीन किस्म के लोगों का ज़िक्र आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि जिनको दोहरे अजर की सवाब की बशारत दी गई है। सबसे पहला शख्स आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रजुलुम मिन अहलिल किताब आमना बी नबीही व आमना बी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले किताब का एक वो आदमी जो अपने नबी पर भी ईमान रखता है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान रखता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अहले किताब जब भी ज़िक्र किया जाता है तो फिर उससे वो लोग और ऐसी कौम मुराद होते हैं जो किसी न किसी आसमानी किताब पर ईमान रखते हैं। और बिलउमूम अहले किताब से हम यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले या ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को मुराद लिया जाता है। अगरचे कि ये लोग जैसा आसमानी किताब पर ईमान होना चाहिए वैसे इनका ईमान नहीं होता, लेकिन वो एक आसमानी किताब पर ईमान तो रखते हैं, तो इसीलिए कुफार और मुशरिकीन के मुकाबिल में चंद खसूसी रियायतें इन लोगों को दी गई है। तो बतलाया गया कि वो लोग जो हज़रत ईसा के मानने वाले हों या हज़रत मूसा के मानने वाले हों अलैहिस्सलाम, और किसी न किसी आसमानी किताब पर ईमान रखते हैं, अपने नबी पर ईमान रखते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी ईमान रखते हैं, शरीयत मुहम्मदी को भी वो तस्लीम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए दोहरे अजर की सवाब की बशारत दी गई है। दोहरा अजर उनको हासिल होगा। पहला अजर इसलिए क्योंकि वो अपने साबिक नबी पर भी ईमान रखते हैं, और फिर आगे जब उनको यह मालूम हो गया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुल मुरसलीन खातमुल अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम की जब आमद हो गई है, जब उनको मालूम हो गया, तो फिर वो आका अलैहि सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर भी ईमान लाते हैं। तो फिर एक अपने नबी साबिक़ पर ईमान रखने की वजह से एक अजर है, और दूसरा अजर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर ईमान लाने की वजह से है। फिर इसके बाद दूसरा शख्स वो जिसको दोहरे अजर की बशारत दी गई है, वो ये कि वला अब्दुल ममलूक इज़ा अद्दा हक अल्लाही व हक मवालीही। गुलाम जो अल्लाह का भी हक अदा करता है और अपने आखाओं का भी हक अदा करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़माने साबिक में गुलामों को जो गरज से ख़रीदा जाता था वो ये कि वो आखाओं की खिदमत करे, हर वक्त उनकी खिदमत में हाजिर रहे, उनके काम काज करे, उनके लिए सहूलतों को आसानियों को वो फराहम करे। तो जाहिर सी बात है जब ग़ुलाम अपने आखाओं की खिदमत में रहेंगे तो फिर उनको और दूसरे कामों के लिए उनको फुर्सत नहीं होगी। लेकिन वो मोमिन ग़ुलाम जो अपने आखाओं की खिदमत करता हुआ भी, अपने आखाओं के हक़ को अदा करता हुआ भी, जिस काम का मुकल्लफ बनाया है उस काम को करता हुआ भी अगर वो हुकूकुल्लाह को अदा करता है, फ़राइज से वो जब वो मुँह नहीं मोड़ता, अल्लाह के हक़ को भी जब अदा करता है, तो फिर ऐसे ग़ुलाम को भी दोहरे अजर की बशारत दी गई है। एक अजर इस वजह से है कि वो अपने आखाओं का हक़ अदा करता है, और दूसरा अजर इस वजह से है
कि वह हुकूकुल्लाह भी अदा करता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मालूम हुआ इस हदीस पाक के इस जुज़ के मफहूम से हमको ये मालूम होता है कि लोग जिनके मातहत जो लोग होते हैं, हुकूकुल इबाद जिनके ज़िम्मे होते हैं, अगर ऐसे अल्लाह के बंदे हुकूकुल्लाह को अदा करते हुए हुकूकुल इबाद को भी अदा करते हैं, हुकूकुल इबाद को अदा करते हुए जब वो हुकूकुल्लाह से मुंह नहीं मोड़ते, और हुकूकुल्लाह को अदा करते हुए जब हुकूकुल इबाद से मुंह नहीं मोड़ते, यानि दोनों हुकूक को यकसा जब वो अदा करते हैं, तो अल्लाह की रहमत से बईद नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों के लिए भी दोहरा अजर अता करे। फिर इसके बाद तीसरा वो शख्स जिसके बारे में बतलाया गया कि उसको भी दोहरा अजर होगा, फरमाया गया कि रजुलुन कानत इंदहु अमतुन यतऊहा फअद्दबहा फअहसना तअदीबहा वअल्लमहा फअहसना तअलीमहा थुम्मा अअतकहा फतज़व्वजहा फलहु अजरान। कि एक वो शख्स के जिसके पास बांदी हो और वो अपनी बांदी से ताल्लुक़ कायम करता है, सोहबत कायम करता है, फिर उसके बाद उसको अदब सिखलाता है और बेहतरीन अदब उसको सिखलाता है, यानी अच्छी इस्लामी तरबियत उसको अता करता है, फिर इसके बाद उसको तालीम भी देता है और उसको बेहतरीन तालीम देता है, अच्छी तालीम देता है, फिर उसको वो आज़ाद करता है और उसका निकाह करता है, तो फिर ऐसे शख्स के लिए भी दोहरे अजर की बशारत दी गई है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, गौर करने की बात यह है कि यहाँ पर शारहीन ये बयान फरमाते हैं कि यहाँ पर हदीस पाक में सबसे पहले अदब का जिक्र किया गया है, फिर बाद में तालीम का जिक्र किया गया है। तो अदब को मुकद्दम किया गया है, फिर तालीम को जिक्र किया गया है। तो इससे मालूम यह होता है कि बच्चों को, औलाद को तालीम से पहले उनको तरबियत देनी चाहिए, उनको अदब सिखलाना चाहिए, इस्लामी तौर तरीक़ा उनको सिखलाना चाहिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का उनको पाबंद व खूगर बनाना चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि लोग अपने बच्चों को बड़ी से बड़ी तालीम और डिग्रियां दिलाने के लिए तो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बड़ी से बड़ी डिग्री भी वो हासिल कर लेते हैं, लेकिन अदब के लिहाज से वो अपने आप को एकदम खाली पाते हैं, अदब उनके अंदर नहीं होता। बड़ों से किस तरह पेश आया जाए, माँ बाप की अज़मत क्या है, माँ बाप की कदर क्या है, उनसे वो लोग नावाकिफ़ होते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अदब को मुकद्दम किया, फिर बाद में तालीम का जिक्र किया। तो इसीलिए मालूम हुआ कि अदब ये तालीम से पहले ज़्यादा ज़रूरी है, तालीम बाद में दी जाए और पहले अदब का जेवर उनको सिखला, अदब का जेवर से उनको आरास्ता किया जाए। और अकालसलाम ने भी एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि वालिद अपनी औलाद को जो सबसे बेहतरीन तोहफ़ा देता है वो अदब का तोहफ़ा देता है। हम ये समझते हैं कि अपने बच्चों को हम बड़े से बड़ा मोबाइल फ़ोन दिला दें या गाड़ी दिला दें या फिर कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पर रख दें तो फिर वालिदैन की तरफ से ये बच्चों के हक़ में बेहतरीन तोहफ़ा है। नहीं, ये तोहफे तो दुनिया के हद तक रहने वाले हैं, दुनिया में ही ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने जिसको सबसे बेहतरीन तोहफ़ा कहा है वह तरबियत का तोहफ़ा है। तो इसीलिए वालिदैन को चाहिए कि तालीम से पहले वह अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, फिर इसके बाद जेवर तालीम से आरास्ता करें, तो फिर वो तालीम उनके लिए दुनिया व आखिरत में दारैन में सआदत और कामयाबी की ज़ामिन होगी। फिर इसके बाद आगे बतलाया गया वअल्लमहा फअहसना तालीमहा। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बांदी को बेहतरीन तरबियत भी दे और उसको बेहतरीन अच्छी से अच्छी तालीम भी दे। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर हमको इस बात से यह मालूम होता है कि इस्लाम ये ख़वातीन की तालीम का मुखालिफ नहीं है, बल्कि बांदी भी हो जिसको आकाओं की खिदमत के लिए वक्त निकालना है, आकाओं की खिदमत में उसको लगे रहना है, फिर आका अलैहिस्सलाम ने उन आकाओं के लिए भी यही हुक्म दिया कि अगर वो अपनी बांदी को अपनी खिदमत के साथ साथ बेहतरीन तालीम और तरबियत देते हैं तो उनके लिए दोहरे अजर की बशारत दी गई है। तो मालूम हुआ कि जब इस्लाम बांदी के लिए जब बेहतरीन तालीम और तरबियत का हुक्म देता है तो फिर आज़ाद औरतों को किस तरह इस्लाम वो उनके तालीम के मुखालिफ हो सकता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तालीम की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बांदी भी हो अगर वो उसको तालीम देता है, तरबियत देता है, तो फिर ऐसे आका के लिए दोहरे अजर की बशारत दी गई है। फिर इसके बाद वो आका उसको तरबियत और तालीम देकर जब वो उसको आज़ाद करता है और उसका निकाह करवाता है तो उसके लिए दो अजर की बशारत दी गई है। पहला अजर इस वजह से कि वो उसने उसको तालीम व तरबियत दी, और दूसरा अजर इस वजह से
कि वो उसने उसको आज़ाद किया, या फिर यह बयान किया गया कि पहला अजर इसलिए कि तालीम व तरबियत अता की है, और दूसरा अजर इसलिए कि उसने उसका निकाह करवाया। तो अलगर्ज़ जो भी हो, इससे मालूम होता है कि इस्लाम ख़वातीन की तालीम का मुखालिफ नहीं है, बल्कि इस्लाम यह कहता है कि ख़वातीन को भी आला से आला तालीम दी जाए, लेकिन इस्लामी हदूद में रहकर पर्दे का पूरा अहतमाम कर उन लोगों को तालीम का अहतमाम किया जाए, उनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाए। तो ये चंद ज़रूरी बातें आप हजरात के गोशे गुजार की गई। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला करीम कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालेह की तौफीक अता फरमा, और कुरान व हदीस को कमा हक़ हो समझ कर उस पर अमल करने की हमको तौफीक अता फरमा। आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग़।